बाद दोस्तों ये जगह है ना पूरी कीचड़ से भरने वाली है और जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होने वाली है। इस वजह से क्या किया है, टू व्हीलर लेकर अंदर की तरफ घुसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार मित्रांनो, मैं हूँ असीम अंसारी पुणे महाराष्ट्र से और आप देख रहे हैं फिशिंग हंटर्स इंडिया गाइस। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल और मैं आप लोगों में से ही एक हूँ। तो आया हूँ दोस्तों, एक नया स्पॉट है, नया लोकेशन है। दोस्तों इस जगह के बारे में बता दो आप लोगों को, ये जो जगह है ये एक अनछुई जगह है। तो इस जगह को चेक करने के लिए आए और चेक भाई साहब ऐसा करेंगे कि बस देखते रह जाओगे आप लोग। हर तरह का खेल खेलेंगे इस जगह के अंदर और देखेंगे कि कौन सी मछलियाँ यहाँ पर छुपी हुई है, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है, हमने कभी यहाँ पे खेला नहीं है और क्या ही यहाँ का खेल है, कोई किसी भी तरह का अंदाज़ा हमें नहीं है। तो हर तरह का बेट जो है, बेट चारा सभी तरह का खेल देखकर जो है खेलेंगे और देखेंगे, कैच करने की कोशिश करेंगे, मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों हम लोग आज 5 लोग आए इस जगह को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सी प्रजाति है, क्या है, हम 5 में से किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस जगह पे हम सभी लोग पहली बार आए तो देखना हम ज़रूर चाहेंगे कि यहाँ पे कौन सी मछलियाँ रहती है। तो हम 5 मिलके अलग अलग तरीके का खेल हम खेलने वाले हैं और देखने वाले किसको क्या क्या किसको क्या क्या लगता है यहाँ पे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, कीप वॉचिंग बिना स्किप किए। और एक काम करना, बिना भूले लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा भाई। और ये मेरा वसीम भाई के लिए, प्लीज शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू राम भाई। ये लोकेशन है दोस्तों, देख सकते हैं पूरा पहाड़ों के बीच में ये लोकेशन है। ये खदान है, गड्ढा है और इस गड्ढे में पानी रुका हुआ है। और ये पानी आने की वजह बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ से आप लोग देखेंगे ये इतना पूरा स्क्वायर जो है, ये जो दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह, ये पूरा गड्ढा। अब यहाँ से जो पानी आता है ना इसमें, वो यहाँ से आता है, ऐसे देखेंगे ये वड़ा बहते हुए गया है यहाँ पे, जो बड़ी नदी से आया हुआ है ये कुछ इस तरह से। ये चाले ये अंदर, और ये पानी क्या होता है, यहाँ से जब पानी भरता है तो इस तरफ में घुस जाता है, तो इस वजह से जो है ये स्पॉट बना हुआ है। सो दोस्तों ये चारे के लिए छोटा झींगा जो है वो हम लगा रहे हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये झींगे खरीदे। तो ये झींगे दोस्तों, यहाँ पे एक डाला है सेटअप, सेट करेंगे यहाँ से, देखेंगे यहाँ से क्या मछली निकलेगी बाहर, उसको भी लगा देते हैं सेट करके। ठीक है यहाँ पे लगा, हेलो कॉल नहीं उठा रही। वी हैव RBL बैंक अकाउंट एज वेल, RBL। सो यहाँ से खेल स्टार्ट है दोस्तों, यहाँ पे बैठा हूँ, फ्लोट फिशिंग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये दो पोल रॉड का सेटअप है। यहाँ पे ठीक मेरे बाजू में है नवेद, नवेद अभी कछुआ पकड़ा हुआ है। ठीक वहाँ पे पीछे इमरान गोलंदाज, और वहाँ पे देख सकते हैं राम भाई। तो ये जो पूरी खदान है दोस्तों, इसमें देख रहे हैं हम लोग कि क्या क्या मिलेगा।
तो सभी जो है हर तरह का डिफरेंट तरीके का खेल जो है खेल रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, नवेद नवेद का जो सेटअप है वो कुछ इस तरह से हैंडलाइन पे बैठा है नवेद, और ये सेटअप यहाँ से ऐसा आगे गया हुआ है, ठीक है। और आगे चलते हैं इमरान भाई के पास, इमरान भाई बैठे हैं, थोड़ा फ्लोट वाला भी सेटअप लगाया है इन्होंने और रील का भी सेटअप है कार्प के लिए, तो ऑलरेडी एक रोहू लगा है और ये इनका ये कार्प के रील का भी सेटअप प्लस फ्लोट। और राम भाई जो है उनकी कुछ अलग तैयारी चल रही है, वो निकाल रहे हैं केकड़े मरल। राम भाई आप क्या पकड़ना चाह रहे हो? मरल मछली पकड़ने की तलाश है राम भाई की। लाइव बेट पे हम लोग खेलने वाले। अच्छा आप लाइव बेट खेल रहे हैं। ये देखिए केकड़ा वहाँ पकड़ लिया छोटा बच्चा। तो इसको कैसे लगाएंगे आप? ये इसका बड़ा हुक रहता है, इसको अभी धागे से बांधेंगे। अच्छा तो इस केकड़े को ये हुक को जो है गल को केकड़े के ऊपर बांधेंगे, ये वाले काफ़ी छोटा है साइज, ये छोटा ही रहना पड़ता है उसमें। और ये भाई साहब ट्राई कर रहे हैं मरल के लिए यहाँ पे इस वाली जगह पे। सभी लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट खेल खेल रहे हैं, देखते हैं कौन क्या क्या पकड़ता है। यानी चाहिए अटैक हुआ, बाइट हो रहा है यहाँ पे दोनों पे बाइट। ओ ये आया ये थोड़ा पहले मार दिया, मैं खाने के पहले मार दिया। मैं तो बैठा हूँ बाम के लिए, बाम मुझे चाहिए बाम। बाव बाम जो चाहिए था क्या अरे कछुआ भी आया। अरे निकालो, सोडून दे सोडून दे सोडून दे तिथ। अरे बाहर निकालो पकड़। अरे पहले बाहर तो निकाल, नीचे झुक ना पाहिजे का तुम्हाला, तुम्ही घेऊन जा तुम्हाला पाहिजे ना, कारण आम्ही परत सोडणार त्याला। कासो 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 भाव। ए मारते की पीछे आना सीधी। कछुआ भी लगा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ले पकड़ गया, ले भाई पकड़, इधर वाम पकड़ भाई, इधर ये या पकड़ गया, पकड़ छोड़ दो इसको, रिलीज कर देना को निकाल के पकड़ से छोड़ दो पानी में रिटर्न, ठीक है। अच्छा लगा ये वाला, उठाओ ना, क्या हो गया, पकड़ो हाथ से। अरे डर नहीं काटे, डर रहे क्यों, पकड़ो ना, मच्छी पकड़े नहीं क्या कभी पहले, काटा घुसने का नहीं भाई। अरे तुम इतना स्लो मोशन में, ये है चिलापी। ये एक लगी चिलापी, चलो कुछ तो मिला। ताला ना, सिंगाड़ा सिंगाड़ा कहते हैं इस मछली को, मस्त। बैक टू बैक बाम, हेलो हेलो दिखाओ इधर, यहाँ पे वो खा रहा है। खा के गया वो, एक बम यहाँ पे लगी है दोस्तों, इमरान भाई को देख सकते हैं आप लोग। दिखाओ दिखाओ, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो सर, क्या साइज है? बारीक स्मॉल साइज। कौन सा मच्छी है?
चालट चालट है ये देखो दोस्तों, ये वसीम के गल में एक चालट लगा है। ये गुगली रहते सेम वैसे ही रहते लेकिन इसके अंदर बहुत कांटे रहते और इसके स्किन के ऊपर और इसके अंदर इसके जो ये गुगली है सेम गुगली जैसा रहता है लेकिन इसके ऊपर जो स्किन है ये गुगली को खवले नहीं रहते, इसमें खवले रहते। ये देखो छोटे 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 खवले रहते। कूल रुको रुको, अरे यार महीने पकड़ा खेकड़ा काम कर गया भाई राम भाई। खेकड़ा परत कामाला येणार तू, खेकड़ा परत कामाला येणार वडली वणी। खेकड़ा काम कर गया भाई, खेकड़ा वापिस काम आएगा। एक खेकड़े पे मरल, अरे खेकड़ा किधर गिर गया? वो छोड़ दो, निकल गया अंदर गया पूरा, अंदर गया पूरा। वो निकालो अभी, चलो। नवेद भाई क्या लगा? कोलस सारे क्या बात है, नीचे देख नीचे देख नीचे देख, सीधा पकड़ के दिखा, देखा मैं नीचे सीधा दिखा तो नहीं आ रहा सीधा कोलस। अरे कुठे घुसती एक बाम और एक बाम काढा जरा राम भाऊ माकर माहिती हे काय काय पहिले काढा याला तुम्ही ते बाकी सोडा कशाने काढलेली ते बघा। काय म्हणता, काय लावलं आता पीक? काय लावलं बाबा पीक? लावलं काढली आता पाऊस आली नाही लावलं काय डाळी वगैरे टाकलेत का? दाखवा जरा वाम पण दाखव ना मंडळाला, मंडळाला वाम दाखवायला माझ्यावर वार करेल ती, काटे कशी करतील कौचे। ये भी एक मच्छी लगी है, नहीं इसको रिलीज। अरे गिर गई, अरे जा भाई तू। नवेद भाई, नवेद भाई क्या लगा? बस कोलस सारे क्या बात है, नीचे देख नीचे देख नीचे देख, सीधा पकड़ के दिखा, देखा मैं नीचे सीधा दिखा तो नहीं आ रहा सीधा कोलस। बारिश स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, बहुत जोर में अभी बारिश चल रहा है। चलो साइड हो जाओ गाइज, अपने अपने मोबाइल बचाओ। नाही घाव मीच झाला का? नाही घाव पाहिजे। कोणता आहे ये? मेरे को लगता है ये सिल्वर, सिल्वर था, सिल्वर ये साइज है, 1 kg का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा रहेगा 1.5।
नमक बोलते हैं इसे, नमक बेहतरीन सौंदर्य नमक, ये आयुर्वेदिक है, हार्ट पेशेंट को यही खाया जाता है, जिसको बीपी है उसको। याच्यामध्ये आपण लिंबू, लिंबू यार कोणी कापलं दवा इत 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 एक मिनट इमरा रुक तू बैठ। तो इसको भी टेस्ट करता हूँ मैं भी कैसा बना है भाई। कुरकुरा बना है एकदम अच्छे। हाँ स्पाइसी भी अच्छा, स्पाइस जो है मच्छी का वो एकदम मीडियम लेवल का रहता है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और ये हंट एंड कुक का ये एडवेंचर था आज का दोस्तों। इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि क्या हमें लगने वाला है इस खदान के अंदर और किस टाइप का मछली है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी हुई थी, सुबह से हम लोग मॉर्निंग से खेल रहे थे। तो इस मच्छी को कुक किया है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत उम्दा टेस्ट है मछली का। तो ये दोस्तों पहले बारिश का हंट एंड कुक है, बारिश गिरा है ऑलमोस्ट, ज़मीन भी थोड़ी बहुत गीली हो चुकी है, कई धूप तो कई छाव। तो ये आज का शिकार का कुछ जायका भाई साहब। मछली पकड़ कर खाने में जो मज़ा है वो खरीद के खाने में मज़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप हिंदुस्तान के कोई भी कोने से देख रहे हो वीडियो, इस बात में कितनी सच्चाई आप खुद ही लोग जो है आप ही लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक मिनट बहुत टेस्टी बना है भाई, थोड़ा सा यहाँ से धुआं आ रहा है मेरे तरफ, मैं खुद बना रहा हूँ लेकिन एक नंबर बना हुआ है, सब मसाले नमक एकदम बढ़िया हुआ है। मन कैसा बना भाई मछली? एक नंबर मस्त जबरदस्त। भाई क्या बोलो, बहुत मजा आया। कितना मच्छी खाया अभी तक भाई? 4-5 मच्छी खाया हुआ है, पर इतना मजा आ रहा है, खाते जा रहा भाई, समझ कितना खाने का समझ रहा नहीं भाई, बहुत अच्छी बना नहीं शिवा भाई। एक नंबर शिवा भाई मच्छी कैसा बना? एकदम एक नंबर जबरदस्त। आंबे आणलेले कापले की नरम झालेले का? आता नरम झाले होते खाएंगे क्या भाई हम? नहीं भाई अभी तो आप नहीं खाएंगे क्योंकि हमें जाना है घर, तो आप खा लो। मैं जाना है घर तो आप खा लो। मैं जाना है घर तो आप खा लो। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मार भी नहीं सकता प्यार जो करता है मुझसे। ठीक है बाबू, यू वांट गोलंदाज
इसमें डाल दो खाने के लिए राइट नाउ खाने खाने लगी अभी तुरंत इमीडिएट और कुछ ओ दाखो ना रहो ये हम लास्ट में खाएंगे। देखो मछली फ्राई करने के बाद दोस्तों और भी इतनी मछली बची है तो ये रहो जिंदा है अभी भी नीचे के चिलापी कुछ बोलो मत खाली वीडियो चालू रहे ना कुछ बड़बड़ मत करते जाओ हाँ कुछ डाल दो लास्ट ये पैकअप स्नेकेड ये केकड़े पे लगी ना गल उसके अंदर गल भी निकाला नहीं यार इतने आलसी हो गए भाई तुम चलो और एक कौन सा था ये अच्छा ये बचा है ये बचेला है ना पूरा बनाने के बाद स्नैपर है स्वीट वाटर कौन सा मच्छी है ये मीठे पानी का स्नैपर है मीठे पानी का स्नैपर इसको स्नैपर बोलते हैं स्नैपर छिड़ा रही है भाई आपको जिंदा है अभी भी इसको क्या बोलते हाँ भाई तो क्या बोलते हैं वाली मछली ये मीठे पानी का स्नैपर है स्नैपर मीठे पानी का स्नैपर आई डोंट नो भाई नया नाम तांबूशी मीठे पानी की तांबूशी चलो भाई तो ये था दोस्तों आज का वीडियो और आज की मछलियाँ क्या कुछ लगा आप लोगों ने देखा। अब वक्त हो चुका है विदा लेने का मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज देखते रहिएगा फिशिंग हंटर्स इंडिया। चलो भाई लोग समय हो चुका है घर वापसी कभी कभी हम जैसा सोचते हैं जरूरी नहीं वैसा हो। इंसान की ख्वाहिशात कभी कम नहीं होंगे। पता नहीं कल किस जगह जाऊंगा मछली पकड़ने। ये सिलसिला आखिरी सांस तक चलता ही जाने वाला है। एक दूसरे के लिए दुआ करें और हर किसी के लिए अच्छा सोचे। ये अच्छी सोच ही आपको हौसला देगी।